पलवल में बीजेपी प्रत्याशी दीपक मंगला के समर्थन में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर दीपक मंगला यहां से जीते हैं तो 75 प्लस का अभियान पूरा होगा। सीएम मनोहर लाल ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि आपका एक वोट तीन जगह जाएगा, वो वोट मोदी जी को मिलेगा, मनोहर लाल को भी मिलेगा और दीपक मंगला को भी मिलेगा। इस दौरान बीजेपी नेता सुभाष चौधरी के बिगड़े बोल सुनाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर करण सिंह दलाल किसी पर उंगली उठाता है या फिर धमकाता है तो वो अपना हाथ कटवाने के लिए तैयार रहें। तीन जगह जाएगा, मोदी जी को भी जाएगा, मनोहर को भी जाएगा, मंगला को भी जाएगा। इसलिए भाई बहनों, आप लोग भारी मतों से अपने कैंडिडेट श्री दीपक मंगला जी को एक पंथ दो कार, एक को पार्लियामेंट तोड़नी है, इनको तो एमएलए बनाना है और एक दूसरा जो है उसके रास्ते से उसको हटाने का काम जो करना है वो ज्यादा बड़ा पुण्य है आपके लिए। क्योंकि पलवल की जनता, पलवल जिले की जनता जिस प्रकार से त्रस्त है उस प्रकार से हमको उस जंगल में से बाहर निकलना है। देखो, जब 2009 में साथी आप ये कहते थे, मन से मैं ये कहता था, ये लोगों को डराता था, वोटरों को। मैं आज भी कहता हूँ, अगर ये करण दलाल किसी की तरफ उंगली करेगा तो हाथ कटवाने का इलाज अपना सोच लें।